तो फ्रेंड आज आप सभी के लिए कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक लेके आएंगी जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा, यूजफुल होंगे, हेल्पफुल होंगी। जितनी भी टिप्स लेके आई हो ना, यकीन मानिए आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है बबीता नीरज ब्लॉग में। कहिए कैसे आप सभी लोग, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, देर न करते हुए हम देख लेते हैं आज हम कौन कौन सी टिप्स लेके आए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, सबसे पहले टिप्स है मेरी, जैसे कि विंटर आ गया, तो विंटर में क्या होता है कि मूँगफली सभी के घरों में आती हैं और मूँगफली बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो क्या होता है कि मूँगफली तो हम खा लेते हैं और छिलका हम फेंक देते हैं, तो छिलका को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको नहीं फेंकना चाहिए। तो अगर आप इसको यूज में लेंगे ना, यकीन मानिए आपका बहुत ज़्यादा काम आसान होने वाला है। और हर खिलाड़ी को ये टिप्स पता होना चाहिए। तो ये देखिए आपको क्या करना है, इनको ये देखिए मैंने जला लिया है इनको, और जलाने के बाद ये जो बर्नर है ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, इसकी जो राख बन जाती है ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है उससे। और आप चाहो तो इसको अलग भी जला सकती हैं। और दूसरा, जैसे कि कुछ चिपक जाता है, छूटता नहीं है, और हम परेशान होते कि स्पून लेते हैं कई बार कुछ उससे छुड़ाते हैं, तो आप मूँगफली का जो छिलका होता है ना, ये देखिए यहाँ पर दूध गिर गया, इस तरीके से तो आप छुड़ा दीजिए, बहुत अच्छे से छूट जाएगा और बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो कैसी लगी टिप्स राय देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ये टिप्स आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है फ्रेंड। जितना भी जैसे कि वो हो जाता है, चिपक जाता है, छूटता नहीं है, तो वो छूट जाएगा। तो ये देखिए अगली टिप्स है मेरी करेलों को लेके। करेला हम बनाते हैं तो वो कड़वे बनते हैं, तो आपको क्या करना है, नमक डाल देना है। नमक डालने से बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, भर के बनाते हैं तो तब इतना नहीं होता है, और जब हम कट करके बनाते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि ये कड़वे ना लगे। और मैं इसको दाल डाल के बनाने वाली हूँ, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा दाल डाल के, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ये टिप्स भी आप मेरी फॉलो कर सकती हैं। तो चलिए अगली टिप्स की तरफ चल रहे हैं फ्रेंड। अगली टिप्स बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो अगली टिप्स है फ्रेंड मेरी चटनी को लेके। जब भी हम चटनी बनाते हैं तो आप भी बनाते होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से बनाइएगा, यकीन मानिए आप अपनी चटनी का कभी टेस्ट नहीं भूलने वाले हैं। तो जब चटनी बना रहे हो आप किसी भी चीज़ की, तो उसमें ना एक चम्मच दही डाल दीजिए। जब ये ग्रीन वाली चटनी बना रहे हों, ये नहीं कि आप रेड वाली बना रहे हैं तब भी उसमें नहीं, जब ग्रीन वाली चटनी बना रहे हैं हरी मिर्च वाली, तो उसमें एक चम्मच दही डाल दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बन जाएगा और बढ़ जाएगा टेस्ट इसका, और बहुत टेस्टी ये खाने में लगती है। तो अभी आगे मैं अगली टिप्स की तरफ, अगली टिप्स है मेरी हलवा को लेके। जब भी हम हलवा बनाते हैं तो पता नहीं चलता कि ये बना के नहीं बना, और बहुत लोग का हलवा में टेस्ट नहीं आता है। और ये देखिए मेरा हलवा एकदम दानेदार दिख रहा है। जब तक हलवा का ये जो पैन ना छोड़ दे तब तक आपका हलवा नहीं पकेगा और एकदम टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये मेरी ट्रिक आप फॉलो कर सकती हैं। अगर इस तरीके से आप देखेंगी कि दानेदार भी कितना बन रहा है और पैन को ये बिल्कुल भी नहीं पकड़ा है, बिल्कुल छोड़ दिया है, तो समझ लीजिए ये हलवा बन गया है। और इसने जो इस घी वगैरह हम डालते तो उसमें से ना निकलना चालू हो जाता है। ये देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, ये एकदम दाने दाने दिख रहे हैं इसके। तो ये टिप्स आप मेरी फॉलो कर सकती हैं। और अभी चल रहे हैं हम अगली टिप्स की तरफ। अगली टिप्स फ्रेंड हमारी बहुत ज़्यादा काम की है। जब भी हम गैस चूल्हे को साफ़ करते हैं नाइट में, तो हम क्या करते हैं उसको साफ़ करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो ये देखिए आप, मैं साफ़ तो कर ही रही हूँ, बट आप मेरी ये वाली टिप्स फॉलो करेंगी तो समझिए कि बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। कि अगर आपका ये गैस चूल्हा साफ़ हो जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दो जो छिलके होते हैं ना प्याज के, वो निकाल के रख दीजिए। ऐसा करने से आप देखिए कॉकरोच, चींटी, ये कोई भी चीज़ बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि हम रात में साफ करते हैं और हमें पता नहीं लगता कि कौन छिपकली वगैरह घूम जाती हैं। तो अगर आप वो रख देंगे तो उससे क्या होगा कि छिपकली भी नहीं आएगी, कॉकरोच भी नहीं घूमेंगे, और एकदम साफ आपका चूल्हा बना रहेगा। और सुबह आप कपड़ा मारिए और अपना काम कर लीजिए, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने अपना गैस चूल्हा साफ़ कर दिया है, और इस पर मैं क्या करूँगी, छिलके रख दूँगी। तो मैं सोचा कि आप सभी के साथ में मैं शेयर कर दूँ, बता दूँ कि मैं किस तरीके से नाइट में अपने गैस चूल्हे को धो के छोड़ती हूँ, जैसे कि छिपकली वगैरह ना आए। तो फ्रेंड अभी आ गए हम अगली टिप्स की तरफ। अगली टिप्स है हमारी हरी मिर्च को लेके। कई बार ना हरी मिर्च कट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आप अगर इस तरीके से आप कट करेंगे तो यकीन मानिए आपका काम आसान हो जाएगा। ये जो डंठल है ना, तो इनको निकाल देना, निकालने के बाद एक स्पून ले लीजिए आप, तो मिर्ची को लगा लीजिए इसमें, ये देखिए इस तरीके से, और कैंची से आप कट कर दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका काम आसान हो जाएगा। एक साथ आप तीन मिर्ची काट सकती हैं,
अगर चार लगाना चाहे तो आप चार भी लगा सकती हैं, तो चार भी आपके आसानी से कट जाएंगे एक ही बार में, तो आपको एक एक का झंझट बिल्कुल भी नहीं रहेगा और आपका काम भी जल्दी का आसान हो जाएगा। तो हर ग्रेडी को ये टिप्स पता होना चाहिए, मिनटों का काम सेकंड में आप कर सकती हैं। तो कैसी लगी टिप्स, राय देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरी भी टिप्स ट्रिक आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अभी आ गए हम अगली टिप्स की तरफ। अगली टिप्स बहुत ज़्यादा काम की है, ये देखिए ना फ्रेंड यहाँ पे हनी है, और जब कई बार हम हनी को निकालते हैं तो चम्मच हमारी गंदी हो जाती है और बार बार वो झंझट लगता है, तो आप रोज़ रोज़ का झंझट ही ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए क्या करना है आपको, ये इसका ढक्कन है इसको खोल लेना है और एक नाइफ आपको गर्म कर लेना है चाकू। तो ये देखिए इस तरीके से हम निकालते हैं तो वो सारे में टपकता हुआ चला जाता है और बार बार हमें स्पून गंदी हो जाती है हमारी। तो एक नाइफ लेना, उसको गर्म कर लेना है और उसमें क्या करना है आपको होल कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से होल कर दीजिए, ये देखिए बहुत आसानी से इसमें होल हो जाएगा और टाइम भी बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने होल कर दिया है और इसमें स्पून लगा दीजिए, तो आप जब भी आपको हनी निकालना है तो आपका काम आसान हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं रहेगी। तो आपकी एक ही स्पून काम कर जाएगी तब तक आपका हनी है इसमें। तो उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही टिप्स और ट्रिक देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, और आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, देखते रहिए बबीता नीरज ब्लॉग।